भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के एक नए गाने का पोस्टर आप सबको बहुत पहले ही दिख गया होगा जिस गाने का नाम है रोवे ले रघुराई और आपको बता दें कि ये गाना रिलीज नहीं किया गया था और इस गाने के बीच भी कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी बाकी पवन सिंह के गानों के साथ ये हमेशा होता रहता है कि पवन सिंह के आने वाले नए गानों की बारे में पहले से पता तो चल जाता है लेकिन गाने का पोस्टर भी आउट हो जाता है लेकिन गाना आने का कोई ठिकाना नहीं रहता है गाने से संबंधित कोई जानकारी सामने नहीं आ पाती है इसलिए पवन सिंह के फैंस पवन सिंह की इस आदत से कई बार नाराज भी हो जाते हैं इससे पहले भी पवन सिंह ने अपने कई सारे स्टेज शो में बताया था अपने एक नए गाने के बारे में बताया था जिस गाने का नाम है तुम्हारे सिवा लेकिन लंबे समय तक इस गाने से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आती थी फैंस बार बार ये रिक्वेस्ट करते थे पवन सिंह के गाने के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखते थे कि इस गाने को जल्दी से रिलीज किया जाए हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं लेकिन पवन सिंह और उनकी टीम की तरफ से इस गाने को लेकर भी कोई अपडेट नहीं दिया जाता था और एक लंबे समय बाद पवन सिंह इस गाने को फाइनली रिलीज कर देते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ पवन सिंह के भक्ति गाने के साथ और पवन सिंह के गानों के साथ ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि पवन सिंह को लेकर कहा जाता है कि वो अपने मूड के अनुसार काम करते हैं उनका जब मन होता है वो तभी कोई काम करते हैं उनका मन नहीं होता है तो वो उस काम को बिल्कुल नहीं करते हैं वो खुद कई बार अपने गानों में कह चुके हैं कि पवन सिंह हूँ बेटा मूड बनने में टाइम लगता है और यही कारण होता था कि आज से दो महीने पहले पवन सिंह जिस भी गाने की घोषणा कर देते थे वो गाना देरी से ही आता था बाकी आज के इस वीडियो में हम पवन सिंह के उस गाने के बारे में बात करेंगे जो आज सुबह सुबह रिलीज किया गया है जो कि एक भक्ति गाना है लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम है डॉली पांडे मेरे साथ कैमरा मैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता दुन दरअसल सुबह सुबह पावर स्टार पवन सिंह का एक नया गाना रिलीज होता है जिस गाने का नाम है रोवेली रघुराई और आपको बता दें कि पवन सिंह का ये गाना आज सुबह सुबह माँ अम्बा फिल्म भक्ति पर रिलीज किया गया है और आपको बता दें कि पवन सिंह का ये गाना भक्ति गाना है जिसके बारे में दर्शकों को काफी पहले से पता चल गया था लेकिन ये गाना अभी तक पेंडिंग में था इस गाने को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा था और पवन सिंह फैंस इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर पवन सिंह का भक्ति गाना कब तक आएगा लेकिन इस गाने के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और अचानक से कल पवन सिंह के एक करीबी यूट्यूबर द्वारा ही बताया जाता है कि पवन सिंह का एक भक्ति गाना आने वाला है जिस गाने का नाम है रोवेल रहुराई और पवन सिंह का ये गाना मां अम्बा फिल्म भक्ति पर आएगा और उसके बाद से ही पवन सिंह के फैंस इस गाने का भी सब्र इंतजार करने लगते हैं इतना ही नहीं यूट्यूबर अपने वीडियो में इस गाने को इस गाने का लेट होने के पीछे का कारण भी बताता है कि पवन भैया के पास बहुत सारे गानों का ढेर था इसलिए पवन सिंह इस गाने पर काम नहीं कर पा रहे थे इस गाने को रिलीज करने का पवन सिंह अभी कोई मूड भी नहीं था क्योंकि पवन सिंह के पास अभी जुलाई तक के गानों का स्टॉक भरा पड़ा है मतलब पवन सिंह जुलाई तक के गानों की शूटिंग कर चुके हैं और वो सारे गाने कब 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 आएंगे इसका भी निर्धारण हो चुका है ऐसे में इस गाने को रिलीज करने का कोई डेट समझ नहीं आ रहा था इस गाने को रिलीज करने का कोई उचित समय नहीं दिख रहा था इसीलिए इस गाने को पेंडिंग में रखा गया था और इस गाने पर कोई काम नहीं किया जा रहा था इसलिए ये गाना लेट होता जा रहा था कि उचित समय देखकर इस गाने को रिलीज किया जाएगा लेकिन पवन सिंह जब पटना आए थे तब उनके यूट्यूबर्स पवन सिंह से मिलने गए थे यूट्यूबर्स द्वारा पवन सिंह से और पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह से इस गाने को लेकर काफी रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस गाने को जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए क्योंकि इसके बाद फिर सावन का महीना शुरू हो जाएगा और सावन के महीने में इस गाने को रिलीज करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और ऐसे में पवन सिंह और उनके मैनेजर ने अपने यूट्यूबर्स के रिक्वेस्ट को माना और जल्दी जल्दी पवन सिंह से इस गाने को रिकॉर्ड करवाया गया और इस गाने को आज सुबह सुबह साढ़े छह बजे माँ अंबा फिल्म भक्ति पर रिलीज कर दिया गया बाकी अब हम वापस आते हैं पवन सिंह के भक्ति गाने के ऊपर तो आपको बता दें कि पवन सिंह ने अपने इस गाने मुझ भाव को गाया है जब मेघनाथ से युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग जाता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और राम जी लक्ष्मण जी को अपनी गोद में सुलाकर खुद को कोस रहे हैं बाकी पवन सिंह ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाया है पवन सिंह के इस गाने को सुनकर आपको रामायण का वो प्रसंग आपकी आंखों के सामने नजर आने लगेगा और इस गाने को सुनने के बाद आप भी एक बार को भावुक हो जाएंगे बाकी बात करें पवन सिंह के गायकी की तो पवन सिंह की आवाज में वो जादू है कि पवन सिंह कोई भक्ति गाना गा दे या कोई सैड सॉन्ग पवन सिंह का हर गाना बवाल मचा देता है बाकी पवन सिंह के इस गाने में सिर्फ पवन सिंह की आवाज है इस गाने को लिखा है राजेश मिश्रा ने पवन सिंह के इस गाने को एक जगह बैठकर शूट किया गया है जिसमें पवन सिंह इस गाने को हारमोनियम बजाकर गाते हुए नजर आए हैं बाकी वीडियो में पवन सिंह के साथ उनके मैनेजर दीपक सिंह उनके साले विक्की सिंह ढोलक बजाते हुए नजर आए हैं और इस वीडियो में कुछ क्रिएटर्स भी नजर आए हैं जो पवन सिंह के अगल बगल बैठे हुए हैं बाकी इस गाने की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है और आपको बता दें कि पवन सिंह की आवाज का वो ये जादू है कि इस गाने पर छह घंटे के अंदर ढाई लाख व्यूज आ चुका है बाकी इस गाने पर आगे धीरे धीरे व्यूज बढ़ता जा रहा है बाकी आपको पवन सिंह का ये भक्ति गाना कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाजत दीजिए धन्यवाद